हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो इस जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गर्भ की मासनमासिक वृद्धि के बारे में। गर्भ की मासनमासिक वृद्धि के बारे में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, चाहे आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा लें, चाहे 20 का उठा लें, चाहे 22 का उठा लें। तो यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन एक हमेशा अवश्य पूछा ही जाता है। तो क्या है कि पहले मास में क्या होता है कि चर्क के अकॉर्डिंग खेट भूत स्वरूप का गर्भ होता है। तो खेट भूत एक तरह से कलल का ही पर्याय है, कलल का ही पर्याय है खेट भूत। तो इसलिए चर्क ने बोला है कि प्रथम मास में जो गर्भ की उत्पत्ति होती है उसमें उसका स्वरूप खेट भूत होता है, और उसके जो अंग अवयव होते हैं सद असद, यानी कि निर्मित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसमें मतलब ऐसा है कि गर्भ के जो अंग प्रत्यंग हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सद असद भूत अंग अवयव, सद असद भूत अंग अवयव खेट भूत स्वरूप, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? प्रथम मास में। प्रथम मास में शुश्रुत के अकॉर्डिंग होता है कलल, बाघभट के अकॉर्डिंग होता है कलल। बिल्कुल ये आपको रट्टा मार लेना है, तो इसी से आपको याद रहेगा। और दूसरी बात हम करें कि तृतीय मास में, तृतीय मास में क्या होता है कि घन हो जाता है थोड़ा सा गर्भ, क्या होता है घन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी घन संजायते लिखा है और यहाँ पर भी घन संजायते, दोनों चारे क्या कहते हैं कि घन संजायते। तृतीय मास में क्या हो जाता है? गर्भ घन हो जाता है। और जो चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि घन होता है तो पुरुष होता है। तृतीय मतलब अगर पेशी के स्वरूप का होता है, जैसे कि ऐसे मांसपेशी के स्वरूप का, ठीक है, तो क्या होता है स्त्री, तो क्या होता है स्त्री। वैसे भी स्त्रियां लीन और थिन होती हैं बहुत बार, तो उसके हिसाब से ही बोला है कि पेशी होगी तो स्त्री का रूप धारण करेगा गर्भ। और अगर देखिए यहाँ पर नपुंसक, नपुंसक कब होगा? जब अर्बुद, अर्बुद के आकार का होगा, ठीक है। अगर अर्बुद का आकार है तृतीय मास में तो नपुंसक गर्भ की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पर आप शुश्रुत के अकॉर्डिंग भी देख लें, साथ ही साथ देखिए यदि होगा पिंड, पिंड के स्वरूप का होगा, पिंड यानी कि ठोस सॉलिड पिंड के रूप का होगा तो पुमान, पुमान मतलब पुरुष। और यदि पेशी के स्वरूप का होगा तो स्त्री, चरक के समान। और अगर अर्बुद के स्वरूप का होगा तो होगा नपुंसक गर्भ। तो आपको ये रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि गर्भ का लिंग निर्धारण किस मास में किया जाता है आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग, तो वो है सेकंड मास, ठीक है, सेकंड मास। और अगर हम बात करें तीसरे मास में, तो तीसरे मास में गर्भ का स्वरूप पता है कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है गर्भ का स्वरूप, ऐसा जैसे ये होगा सर और ये होगी उसके हाथ और ये होगी उसके पैर, ऐसा सब रूप होता है। देखिए अगर बात करें हम इसकी, तो ये हो गया सर, सर सर की उत्पत्ति हुई है तो ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और ये होगी उसकी कर्म इंद्रिया। तो यही तीसरे मास में बताया गया है कि देखिए सर्व इंद्रिया सर्व अंग अवयव युगपत निर्मित। देखिए सर्व इंद्रिया यानी कि ये कर्म इंद्रिया और यहाँ पर जो ज्ञान इंद्रिया युगपत एक साथ निर्मित होती है। और यहाँ पर छोटा सा एक हृदय, तीन के आकार का हृदय, तीन के आकार का क्या होता है उत्पत्त? हृदय, क्या होता है? हृदय, ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग गर्भिणी दो हृदय को प्राप्त कब होती है? तीसरे मास में। तो अगर हृदय की उत्पत्ति हुई है तो उसमें स्पंदन भी होगा, हार्ट बीट भी करेगा, तो यहाँ पर स्पंदन की भी उत्पत्ति कब होगी? तीसरे मास में। तो ये आपको याद करना है और कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है, तो इससे इजी रहेगा याद करना। और दूसरा क्या है कि चौथे मास में हम बात करें तो इसमें गर्भ क्यों, गर्भ में स्थिरता आ जाती है। अब देखिए उसके तीसरे मास में हाथ और पैर डेवलप कर गए, तीसरे मास में क्या था? हाथ और पैर डेवलप कर गए, तो उसने गर्भिणी को पकड़ लिया, उसने गर्भिणी को हाथों और पैरों से पकड़ लिया। चौथे मास में क्या आ गया? उसमें स्थिरता आ गई। स्थिरता आ गई तो अगर गर्भ में स्थिरता आ गई तो गर्भिणी क्या हो जाएगी? गुरु का तत्व। गर्भ में स्थिरता आ गई और गर्भिणी का भार
ज्यादा हो जाएगा, तो इसके कारण गड़बड़ी गुरु का कर्ता हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी उसकी तेज वो हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। और पांचवें मास की बात करें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कर्म में मास और रक्त की उत्पत्ति, अब उसमें धातुओं की उत्पत्ति होने शुरू हो गई, पांच में मास और रक्त की उत्पत्ति हो गई शुरू। बिल्कुल यही दो चीजें याद करनी है अपने, पांचवें मास में मास और रक्त की उत्पत्ति। देखिए फिर सिक्स्थ मास है, जो छठा मास है, उसमें मास से बल की उत्पत्ति होगी और रक्त से व्रण की उत्पत्ति होगी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट वाइज याद करें। और देखिए एक बात और, कि जो पांचवा मास है उसमें गर्भिणी के अंदर काश्चर्य उत्पन्न हो गया। क्योंकि क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि जो गर्भिणी की धातुओं से गर्भ की धातुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। अगर गर्भिणी की धातु गर्भ की धातुएं बढ़ेंगी तो गर्भिणी की धातुएं घटेंगी, तो जिसके कारण गर्भिणी के अंदर काश्चर्य होगा और गर्भ के मास और रक्त की वृद्धि हो जाएगी। तो हम बात करें आगे सिक्स्थ मास में, तो सिक्स्थ मास में आपको मैंने बता ही दिया कि गर्भ के बलवर्म की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और गर्भिणी के बलवर्म की हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास से बल बनता है और रक्त से व्रण बनता है, तो गर्भिणी का मास और रक्त का क्षय होगा और गर्भ के बल और वर्ण की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? ये आपको याद कर लेना। और अगर हम सातवें मास में बात करें चरण के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? गर्भ में पुष्टि हो जाएगी और गर्भिणी सर्व अकारे क्लांतमा, गर्भिणी सर्व अकारे क्लांतमा। देखिए गर्भ में पुष्टि हो जाएगी। देखिए आपने देखा होगा कि सतमाहे बच्चे भी जन्म लेते हैं और वो पूरी तरह अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी इसी कारण आचार्यों ने कहा है कि गर्भ में सातवें मास तक पूरी पुष्टि हो जाती है और गर्भिणी सर्व अकारे क्लांतमा, यानी कि मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाती है गर्भिणी, सर्व अकारे क्लांतमा, मुरझा जाती है वो, ठीक है? सर्व अकारे क्लांतमा कब होती है? सेवंथ मास में, ठीक है? बिल्कुल आपको याद कर लेना। और सभी आचार्य ने वर्णन किया है कि ओज ओज जो होता है वो अस्थिर कब होता है, तो ओज अ से आठ और अ से ओज और अस्थिर, ठीक है? आठवें मास में ओज होता है अस्थिर, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। गर्भिणी मोह मोह युक्ता मोह मोह मलाना, मोह मोह यानी कि बार बार खुश दिखाई देती है और मोह मोह मलान मलिन दिखाई देती है, यानी कि गर्भिणी मोह मोह युक्ता मोह मोह मलाना, किस मास में? आठ मास में, ठीक है? इसको याद कर लेना है आपको। और प्रसव का जो नॉर्मल काल है, नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर प्रसव, देखिए यहाँ पर 9th से 10th मास तक गर्भिणी का सामान्य प्रसव काल है चरक के कण, और अगर 10 मास से भी ज्यादा हो जाएगा तो उसे विकृत कहेंगे, 9 से 10 मास तक सामान्य कहेंगे और 10 मास के बाद विकृति को प्राप्त हुआ गर्भ कहेंगे। तो आपको बिल्कुल ये याद कर लेना है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत के बारे में, ये बिल्कुल अगर आप श्लोक याद कर सके तो एक आचार्य के आप श्लोक याद कर लें और एक को रट कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको श्लोक याद आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुश्रुत का श्लोक है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा चर्क से क्वेश्चन आया है, तो ये इजी हो जाता है। तो फिर भी देखिए, प्रथमे मासे कलम जायते, प्रथम मासे कलम जायते, ये आपको याद करना है। प्रथमे मासे कलम जायते, प्रथम मासे कलम जायते, ठीक है? बिल्कुल ये आपको याद हो ही गया होगा, प्रथम मासे कलम जायते। तो देखिए दूसरे मास में क्या है, आपको मैंने करा ही दिया, यदि पिंड है तो पुरुष, यदि वेशी है तो स्त्री, यदि अर्बुद है तो नपुंसक, ठीक है? तीसरे मास में वही वही चरक के अकॉर्डिंग, देखिए सिर हाथ पैर और शिर की एक साथ उत्पत्ति होती है और ये पंचपिंडिका के स्वरूप में होता है। देखिए यहाँ पर हस्तपाद शिर उत्पत्ति, पंचपिंडिका, पंचपिंडिका क्यों, कैसे? क्योंकि गर्भ का जो थर्ड मास में स्वरूप होता है वो कुछ कुछ ऐसे होता है, जैसे कि सिर की पिंडिका होगी, ये हाथ की पिंडिका होगी और ये होगी पाँव की पिंडिका। क्या हो गया? हस्त हो गए, पाद हो गए और शिर की उत्पत्ति, और साथ में ये पांच पिटिका, देखिए ये पांच पिटिका होगी, 1 2 3 4 5, तो हस्तपाद,
शिर की उत्पत्ति और पांच पीठिकाओं की उत्पत्ति, और साथ ही सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग। तो देखिए ध्यान से, अगर पांच पीठिकाओं की उत्पत्ति हो रही है तो ये ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से अंग प्रत्यंगों में विभाजन हो गया हो, क्योंकि पहले तो ये ऐसे था बिल्कुल अर्बुद के जैसा। तो अब क्या हो गया, इसमें सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग हो गया, जिससे क्या हो गया, पांच 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 जो पिंडिकाएं हैं उसकी उत्पत्ति होगी। देखिए एक, ठीक है, और साथ में हस्त पाद, हस्त हो गए, यहाँ पर पाद हो गए, और ये शिर की उत्पत्ति होगी। बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ठीक है, तीसरे मास में। और ये अगर आपके ये भी नहीं याद रहता कि हस्तपाद शिर की उत्पत्ति कब होती है, तो आप देख लें, ऐसे देखें, एक दो तीन, तीन हस्तपाद और शिर की जो तीनों अंगों की उत्पत्ति तीसरे मास में होती है। और चौथे मास में क्या है, अंग प्रत्यंग, सर्व अंग प्रत्यंग प्रव्यक्तो भक्ति, ये आप श्लोक याद कर लें, सर्वांग सर्वांग प्रत्यंग प्रव्यक्तो भक्ति चतुर्थ मास में। और सुश्रुत ने जो दो हृदय का काल बताया है वो चौथा मास बताया है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग दो हृदय का काल है वो चौथा मास है। तो अगर हृदय है तो चेतना भी साथ में ही आ जाएगी, तो क्या है, दो हृदय के साथ साथ चेतना का टाइम भी सुश्रुत ने फोर्थ मास को ही बताया है। ठीक है, चरकने का बताया था आपको मैंने, यहाँ पर हृदय हृदय छोटा सा हार्ट बनाकर समझाया था कि चरकने जो दो हृदय काल है वो तीसरे मास में बताया है। यहाँ पर आप छोटा सा एक हृदय बना, और यहाँ पर जो सुश्रुत है वो चौथे मास में हृदय बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर। और अगर बात करें मन प्रतिबुद्धि तरम भक्ति, मन प्रतिबुद्धि तरम भक्ति, मन प्रतिबुद्धि तरम भक्ति, ये आपको पांचवें मास के लिए याद करना है। और छह मास में बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, सिक्स्थ मास में बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिक्स्थ मास में क्या उत्पन्न होता है, बुद्धि। ठीक है, बिल्कुल आपको याद कर लेना, छठे मास में बुद्धि। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में सीधा श्लोक डालते हैं कि सर्व अंग प्रव्यक्त विभाग प्रव्यक्तर भक्ति, ये किस मास के लिए होता है, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर भक्ति, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर भक्ति, ये सेवंथ मास में है, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर भक्ति। देखिए सात, स से सात, और स से सर्व अंग प्रत्यंग प्रव्यक्तर भक्ति, प्रव्यक्तर मतलब थोड़े से और स्पष्ट हो जाते हैं, जो विभाग है वो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है, सर्व अंग प्रत्यंग में जो विभाग है थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है, प्रव्यक्तर व्यक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, सिर्फ प्रव्यक्त, और यहाँ पर प्रव्यक्तर भक्ति। ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी। ओज अस्थिर कब होता है, आठवें मास में, ये सब सभी आचार्यों ने समान बताया है। और प्रसव का जो समय है वो है नौवें मास से 1 साल तक, तो 12वें मास के बाद क्या होता है, विकृति को प्राप्त हो जाता है गर्भ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या याद कर लेना है। देखिए आप इस वीडियो में इस फोटो की स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। और साथ ही साथ क्या है कि देखिए हृदय, जो हृदय है, हृदय की उत्पत्ति आचार्य जो भागवत है उन्होंने तीसरे पक्ष से पांचवें पक्ष तक बताई गई है। ठीक है, तीसरे पक्ष से पांचवें पक्ष तक जो आचार्य भागवत है उन्होंने दो हृदय की उत्पत्ति बताई है, तीसरे पक्ष से पांचवें मास तक। ठीक है, और हम बात करें तो हृदय उपचार कब कब से शुरू करना है, तो हृदय उपचार भी आपको तीसरे पक्ष से ही शुरू करना है। तो मैंने इसको तीसरे मास में लिख दिया गलती से, लेकिन आपको अगर आंसर आए तो हृदय उपचार कब करना है, तीसरे पक्ष से, तीसरा पक्ष मतलब दूसरे सेकंड मंथ से, सेकंड मंथ से क्या करना है, हृदय उपचार गर्भिणी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए इस इन्होंने बोल दिया व्यक्त अंगाना, व्यक्त अंगाना कब, फोर्थ मास में, चेतना प्रादुर्भाव 5वें मास में। यहाँ पर आपको याद करना है तो 5C याद करने, 5C, 5वें मास में क्या होता है, चेतना की उत्पत्ति गर्भ में। ठीक है, तो लेकिन पर यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि भागवत के अकॉर्डिंग स्नायु सिरा रोम, देखिए स्नायु सिरा रोम,
बल, वर्ण, नखत्वक की उत्पत्ति कब होती है? तो कब होती है, यहाँ पर देखिए, सिक्स्थ मास में। सिक्स्थ मास में बागभट्ट में स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नखत्वक की उत्पत्ति हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आपको रट्टा मार ही लेना है। और देखिए, और किकिस की उत्पत्ति कब होती है? सेवंथ मास में। सेवंथ मास में किकिस की उत्पत्ति होती है। और सेवंथ मास में जो आचार्य काश्यप है, उन्होंने क्या बताया? देखिए ध्यान से, पात पित्त कफ ओनि बता, यानी कि गर्भ जो होता है वो त्रिदोष युक्त हो जाता है। यहाँ पर सातवें मास में त्रिदोष युक्त गर्भ, पात पित्त कफ ओनि बता, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना। देखिए यहाँ पर ओज जो अस्थिर है आठवें मास में सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग, और जो है देखिए यहाँ पर नाइन्थ मास में जो सामान्य प्रसव काल है वो 8 मास के बाद, चाहे एक दिन भी ऊपर हो जाए तो सामान्य प्रसव काल है, और 1 वर्ष तक ये सामान्य समझा जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो विकृति के रूप में इसको देखा जाएगा, ठीक है। और काश्यप के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो देखिए, पहले जीवात्मा और प्राण बीज धातु को विभक्त करता है पहले मास में, ठीक है, और शरीर में चारों ओर रक्त फैल जाता है। सिंपल है, जीवात्मा, जो जीवात्मा के साथ प्राण आते हैं और बीज को विभक्त करते हैं, ठीक है, और शरीर में चारों ओर रक्त क्या होता है, फैल जाता है। गर्भ में गर्भस्थ बालक के अस्थि, अस्थि मांस स्नायु बन जाते हैं, अस्थि मांस स्नायु बन जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे याद करना है। सर्व इंद्रिया सर्व अंगव्यव युगपत प्रकट, सर्व इंद्रिया सर्व अंगव्यव युगपत प्रकट कब होते हैं? तीसरे मास में। देखिए बार बार मैं वही डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहाँ पर क्यों बनाई थी आपको, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना। देखिए यहाँ पर भी सर्व इंद्रिय सर्व अंगव्यय युगपद निर्मित, तो हृदय की प्राप्ति स्पंदन चरक ने बोला है, और काश्यप इज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ चरक, तो सर्व इंद्रिय सर्व अंगव्यय युगपद प्रकट और स्पंदन, गर्भ स्पंदन भी होगा, और अगर हृदय ही उसका डेवलप कर गया तो उसको सुख दुख की प्राप्ति भी तो होगी होगी। तो बिल्कुल आपको रट्टा धर लेना है इसको, कि अगर उसमें हृदय हृदय डेवलप हो गया और उसमें स्पंदन हो रहा है तो उसको सुख दुख वेदना चेतना ये सब तो उसमें आ ही जाएगा, ठीक है, ये आपको काश्यप के अकॉर्डिंग ऐसे याद कर लेना है। और गर्भाशय में जो स्थिर कब होगा गर्भ, तो मैंने आपको बताया था चर्क के टाइम, कि देखिए जब गर्भ में उसके हाथ पांव यानी कि उसके सर्व अंग उत्पन्न होंगे तो वो गर्भाशय को पकड़ लेगा, गर्भाशय को पकड़ लेगा तो वो स्थिर हो जाएगा। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है। तो निराम्य, तो गर्भ क्या होगा यहाँ पर? निराम्य, निराम्य ये आपको याद कर लेना है, यानी कि उसको कोई विकृति नहीं होगी। इसके बाद अगर उस गर्भिणी में हम दारुण चिकित्सा करेंगे तो उसको कोई हानि नहीं होगी, ठीक है, मतलब गर्भ यहाँ पर निराम्य हो जाएगा, उसको उसका बाहर निकलने का यानी कि गर्भ गिर जाने का डर नहीं रहता। कब? चौथे चौथे मास के बाद। देखिए यहाँ पर गर्भिणी गर्भ के मास योनित में वृद्धि, वही जो चरक ने बोला है, गर्भिणी के मास योनित में वृद्धि, देखिए गर्भिणी क्रश हो जाती है, गर्भ के बल वर्ण में ओज में वृद्धि, ठीक है, मात यहाँ पर याद कर ली, मातृ मातृश्रम अधिक, यानी कि गर्भिणी थकी थकी महसूस करेगी, वही वही सेम सर्व कार्य क्लांतमा, ठीक है। आगे सातवें मास में, यहाँ पर सातवें मास में आपको ये याद करना है एक्स्ट्रा, कि गर्भ जो होता है वात पित्त कफ युक्त हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। या फिर यहाँ पर सर्व कार्य क्लांतमा बोला है, और यहाँ पर जो आचार्य काश्यप है वो नित्य क्लांतमा, हमेशा क्लांतमा, हमेशा। वैसे अगर अर्थ को समझो तो कोई डिफरेंस नहीं है सर्व कार्य क्लांतमा और नित्य क्लांतमा, तो ये समझ के आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, समझने वाली या समझाने वाली की बात नहीं। मुहु मुहु युक्ता मुहु मुहु हष्टा, मुहु मुहु वहां पर बोला है, मुहु मुहु युक्ता मुहु मुहु मलाना, ठीक है, यहाँ पर क्या, मुहु मुहु मलाना मुहु मुहु हृष्टा, यानी कभी मलिन और कभी खुश दिखाई देती है गर्भिणी, क्या होता है, कभी खुश कभी मलिन दिखाई देती है गर्भिणी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। और 9वें मास से ऊपर गर्भ की अवस्था होती है 10 मास तक, अगर 10 मास के ऊपर टाइम हो जाता है तो गर्भिणी का जो वो
क्या समझा जाता है, विकृत विकृत काल समझा जाता है, यानी कि बोल देते हैं कि दिन जो हो गए ऊपर हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल ये याद कर लेना है, इतना इजी है, इतना इजी मैंने मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। अभी एक चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के हमारा चैनल जो